सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस की। आज डीके शिव कुमार का जन्मदिन है, तो कांग्रेस पार्टी बर्थडे गिफ्ट देने के मूड में है या फिर गच्चा दे देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जो 6.5 करोड़ जनता ने, कर्नाटक की जनता ने जो एक स्पष्ट बहुमत दिया है कांग्रेस पार्टी का, तो हम उसके लिए कर्नाटक की जनता का बहुत आभारी हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से आप जब सीएम के चुनाव की बारी आई, तो जो हमारी पार्टी में जिस तरीके से, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यहाँ इस तरीके से नहीं होता कि नागपुर से कोई फैसला होगा, नागपुर से बताया जाएगा कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा। तो जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें समय लगता है, और जिस तरीके से रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक गए हैं वो रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए हैं, और अभी कुछ देर पहले सिद्धरमैया जी भी आए हुए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं वो, और डीके शिव कुमार वो नहीं आए। जी जी, उनका जन्मदिन है और उनके कुछ कार्यक्रम है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। जैसे उनके कार्यक्रम समाप्त होंगे। आपने कहा कि बीजेपी नागपुर में, नागपुर से आलाकमान से कंफर्म करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो सोनिया गांधी जी कंफर्म नहीं करती हैं क्या? देखिए, तो आप ये कहना चाहती हैं कि भाजपा जो है, भाजपा की अध्यक्ष, आप ये कह रहे हो कि बस एक पार्टी है जो आलाकमान से डिस्कस कर रही है। नहीं, आप, मैंने कहा क्या डीके शिव कुमार को आपकी पार्टी बर्थडे गिफ्ट देगी? दोनों ही पार्टी नहीं, दो ही चेहरे। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलिए टीना। देखिए, भाजपा अपने आपको आरएसएस से अलग बताती है ना, ये थोड़ी कहती है, और तब वहाँ तो फैसला ऐसे कैसे हो जाता है, वहाँ पर ये सवाल पूछना भी बनता है। भाजपा ने आरएसएस से अलग बताया? नहीं, अलग बताया है कि नहीं, हम देश के मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा, पार्टी हाईकमान तय करेगी कि क्योंकि कर्नाटक की दो आंखें हैं, सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार, अब पार्टी हाईकमान तय करेगी कि किसको चुनना है, क्योंकि अब उनमें से भी किसे चुनना है ये वो तय करेगी। तो पार्टी आलाकमान अभी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री के सीट पर काबिज होगा। दूसरी तरफ दूसरी मांग भी है डिप्टी सीएम के लिए, वो भी पता होगा आपको। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मांग कर रहे हैं 5 बड़े मंत्रालय चाहिए और साथ ही डिप्टी सीएम।